सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैं सैमसंग का S7 डिवाइस पिछले 10 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और आज मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जो मुझे सैमसंग के S7 में लगा। ये ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपको सैमसंग के S7 में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दो प्रॉब्लम ऐसे हैं ना वो आपकी वाट लगा के रख देगा। पहला जो मेन प्रॉब्लम है इसका नेटवर्क, यार इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएट देखने को मिलेगा। अगर रात में आप पकड़ लीजिए इतने ठंडी का मौसम में बंद कमरे में रजाई के अंदर घुस के अपने GF से चैटिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर ये नेटवर्क आपको धोखा दे देगा। जी हाँ, वहाँ पर ये नेटवर्क आपको धोखा दे देगा। वहाँ पर ना एक नहीं होता कि जब आप डेटा ऑन करते हैं तो एक डंडी ऊपर एक डंडी नीचे आता है, तो एक डंडी सिर्फ ऊपर जाता है, नीचे आता ही नहीं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेटवर्क का इशू देखने को मिलता है सैमसंग के A7 में। दिन में चल जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई ये तो आपके सिम का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं सैमसंग के A7 में जियो का सिम यूज़ करता हूँ और सेम सिम मैं सैमसंग के J7 प्राइम में भी यूज़ करता हूँ। मेरे पास दोनों फ़ोन है जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो सैमसंग के J7 प्राइम में मुझे वो मतलब जो नेटवर्क का इशू है वो देखने को नहीं मिला, लेकिन सैमसंग के A7 में वो प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोगों के पास कोई उपाय है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग सैमसंग का A7 या फिर अगर आप सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उसमें अगर आप लोगों को सेम प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यार नेटवर्क का जो इशू है ना वो एक मेजर इशू है। मुझे लग रहा है कि सैमसंग को अपडेट के जरिए इसको जल्दी से फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मतलब नेटवर्क तो चाहिए होता है फ़ोन में और सभी लोग नेटवर्क के नेट के बिना तो आजकल काम होता नहीं है। तो सैमसंग को बहुत जल्द इसमें अपडेट देके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए। यार सब रात में तो पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ मैं इस फोन को लेकर, क्योंकि यार इतना प्रॉब्लम होता है, बार बार मुझे एयरप्लेन मोड को ऑन करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है या फिर फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके नेटवर्क प्रॉपरली वर्क करता है। 5-10 मिनट ठीक करेगा, उसका फिर से प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देता है। तो सैमसंग को इसके ऊपर एक काम करना चाहिए और डेफिनेटली इसको फिक्स तो कर देना ही चाहिए, नहीं तो ये फिर एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं बैटरी की। तो यार अगर आप कोई अच्छा खासा स्मार्टफोन जिसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा बैटरी मिल रहा था, अगर आप उस स्मार्टफोन से इस स्मार्टफोन में मूव कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली बैटरी में थोड़ा फ़र्क तो देखने को मिल जाएगा। मैं पहले यूज़ कर रहा था Xiaomi का Redmi Note 5 Pro, उसमें आपको मिल रहा था 4000 mAh की बैटरी। तो मैं उसे अगर एक बार सुबह चार्ज कर रहा था तो आराम से मुझे शाम 7-8 बजे तक चार्ज करने की नौबत नहीं आ रही थी, आराम से 50-40% बैटरी बच जा रहा था। लेकिन मैं सैमसंग के A7 को सुबह चार्ज करता हूँ 100%, तो फिर से 2-3 बजे तक मुझे चार्ज करने की नौबत आ जाती है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फ़ोन को कितना यूज़ करते हैं। अगर आप एकदम हैवी यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बार दिन में फिर से चार्ज करने की नौबत आ जाएगी, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़ करते हैं तो आराम से आपका एक दिन इस फोन से निकल जाएगा। तो मुझे बैटरी का ज़्यादा इशू नहीं लगा, क्योंकि बैटरी हर कोई के लिए उतना ज़रूरत नहीं होता है, किसी को बैटरी उतना अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन यार नेटवर्क का इशू तो बहुत बड़ा इशू है, उसको तो सैमसंग को फिक्स कर देना ही चाहिए। मुझे ये नेटवर्क का इशू ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करके रख देता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, और अगर आप लोग के पास कोई उपाय है तो यार प्लीज़ कमेंट करो। यार पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ रात में मैं, क्योंकि यार बार बार एयरप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ करना सही नहीं लगता है और डेफिनेटली यार गुस्सा तो आएगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे अगर कोई आप लोगों के पास सॉल्व होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई सैमसंग से अगर देख रहा होगा तो यार जल्दी से अपडेट देके ठीक कर दो, क्योंकि लोगों को नेटवर्क के बिना तो कुछ बोल ही नहीं सकते। फ़ोन की तो जान ही होती है नेटवर्क, यार नेटवर्क नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं है दिन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन हाँ कभी कभी आपको फिर से ये नौबत आ ही जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।